अच्छा, आज अभी हम लोग भारती नगर में हैं। भारती नगर वो एरिया है जो कि बाई इलेक्शन होने वाला है एमएलए सीट के लिए शिवाजी नगर में, उसी का ये भारती नगर का एरिया है। आज हम लोगों से यहाँ की राय लेंगे कि इस इलेक्शन से उनको क्या रिक्वायरमेंट है। आप इसी एरिया में रहते हैं? मैं यहाँ ही रहता हूँ। अच्छा, तो आपका इलेक्शन वोटिंग भी यही करते हैं? जी। ठीक है, तो ये बताइए कि जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। जी। अभी ये बताइए कि जो भी पार्टी आए भारती नगर में, आप लोगों को उनसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज खराब है जिसको आप चाहेंगे कि जो भी जीते वो ठीक करे? देखो, एक तो क्लीनिंग का जी, दूसरा है। जो है ना, ये खड्डे का मसला है, रोड का प्रॉब्लम जी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी, क्या बोलते हैं सर। और दूसरा क्या है तो जरा एजुकेशन का स्टडी होना गवर्नमेंट स्कूल का, क्योंकि बच्चों के वास्ते सहूलत हो। तो सफाई का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का तो बहुत ही छिया है। तो ये तीन चीज जो भी जीते इस पे काम करना जरूरी है इसके ऊपर। शिवाजी नगर में क्या मसाइल है, क्या मसले हैं, क्या करना चाहिए? शिवाजी नगर के अंदर मोरी है, नाले है, कचरा पाक करना है, क्लीनिंग है, कचरा ला के वहाँ डाल देते हैं, उसको कचरा हटाना है। वो पाकी साफी वालों के लिए दिन में भी और रात में भी रखना, गली गली में कॉर्नर में यहाँ पे कचरा डाल के चले जाते हैं, उसकी सफाई का बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इसका। हम लोग भी रखना और पब्लिक भी रखना और कॉरपोरेशन वाले भी रखना। तो शिवाजी नगर कंस्टिट्यूंसी में क्या मसाइल हैं, क्या मसले हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जो भी इलेक्ट होके आता है वो क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली एक ही चीज़, साफ़ सफाई। दूसरा क्या है? साफ़ सफाई, क्लीननेस। सफाई का मसला कब से है आपको लग रहा है कि इस पे लोगों ने जोर नहीं दिया, तवज्जो नहीं डाला है, कब से? बहुत सालों से है। जो भी बैठता है वही है बस, कचरे कचरा नहीं उठता जमाने से, हफ्ता कचरे के एकदम। तो मेन मुद्दा रिजवान में यहाँ पे सफाई का जी। अना इवत्तु शिवाजी नगर बाई इलेक्शन बरुत्ते ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮೋರಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಏನ್ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅದೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಜೋ ಬಿ ಜೀತ್ಕೋ ಆತ ಉಸೆ ಕ್ಯಾ ಉಮ್ಮೀದ್ ರಖತಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯ ಉಮ್ಮೀದ್ ತೋ ಪೆಹ್ಲೆ ಸಬ್ಸೆ ಪೆಹ್ಲೆ ರೋಡಾ ಬರಾಬರ್ ನೀ ಪೂರೆ ಗಡೆ ಖೋದ್ರೆ ಹರ ಜಗ और बारिश आया तो पानी जाता नहीं, काम भी बेकार का, खाली फुटपाथ बना दल नहीं, क्या पानी तो नहीं जाता, मट्ठी है। और रही बात पानी के वास्ते आदमियों को तकलीफ है हर चीज़ से, और इनो कचरा काम मिले वहाँ दलाल थी, गार्बेज काम भी देखो गार्बेज ही गार्बेज रहता हो क्या? तो ये बताइए जो भी जीतता है उनसे आपको तीन आइटम क्या जरूरी उनको जरूर करना चाहिए? एक साफ सफाई आपको, एक पानी का मसला, एक रोड का तीन मसले आपके नजर में हाईलाइट है? हाँ, मोहल्ले की पाकी सफाई, सफाई का एक बड़ा मुद्दा है, सबसे पहले यही पाकी सफाई का होना है। अच्छा जी, भास्कर जी ये बताइए कि बाई इलेक्शन आने वाला है, ठीक है ना, उसके बारे में आइडिया होगा आपको? आइडिया क्या है, इलेक्शन आता रहता, मैं भी एक करता रहता। ये बताइए आपके एरिया में क्या क्या मुद्दे हैं जिसको जो भी जीते उसको करना चाहिए? वो मेन इम्पोर्टेंट ये यूरिनल। अच्छा, सब यूरिनल नहीं है इधर। अच्छा, कहीं भी पब्लिक यूरिनल नहीं है? नहीं है, पेड है, ये टॉयलेट है, तो भी परवाह नहीं इधर है, हमें मेंटेनेंस। तो कोई भी कस्टमर आता है तो उसको बाथरूम जाना हो, यूरिनल यूज करना है तो नहीं है एरिया में, पूरा नहीं, नहीं, उसके वजह से रोड पे गंदगी करके जाते हैं। एक तो वो मुद्दा है, और दूसरा मुद्दा भास्कर जी? दूसरा ये गली जिसे भी डालता रहता है, ये चुबा से भी आकर पूरा ये सफाई प्रॉपर नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है कि सफाई का बिल्कुल सही नहीं है, पूरा रोड भर पूरा कचरा, रोडा में से भी क्या भी सफाई का काम बिल्कुल बंद है। वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर की एक प्रॉब्लम है, गंदगी बहुत है। एक तो ट्रैफिक रूल्स का बहुत गड़बड़ है। अच्छा, तो उसका ये है, तो मेंटेनेंस का बिल्कुल एकदम 0% है, मेंटेनेंस ही नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ड्रग्स का प्रॉब्लम है, यंगस्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो देखने में आता है। हाँ। मतलब 15 to 17 years के अंदर पे। हाँ। लड़का लोग बहुत उधर एक क्या होता है, अड्डा जमा के रखते हैं। अच्छा। तो उनका देखभाल ही कोई नहीं उधर, तो पुलिस भी उस पर उसके अंदर भी ये रहते हो, पैसा देना छोड़ देने का। तो लॉ एंड ऑर्डर, पानी का सफाई, तीन मुद्दे हैं। कौन यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसको करना बहुत बहुत प्रॉब्लम है? कार्पस की प्रॉब्लम बहुत है। अच्छा, केबी का प्रॉब्लम बहुत है। ओके, तो कार्पस का पेपर के ऊपर पूरा ऐसे चला जाता। हाँ। वाटर का प्रॉब्लम है, वाटर प्रॉब्लम, स्ट्रीट लाइट क्या भी सिलेक्ट नहीं बराबर है। अच्छा, पहले
रोड अच्छा नहीं ना, पाक रहा ना, पाक नहीं तो कैसे होता है? रोड भी अच्छा नहीं है। हाँ, एक रोड भी बड़ी देखो नीचे कर गया, बच्चे मर जाता बाद में। कौन सी बंद है, कौन एमएलए को ये पहले काम करना? ये बताइए, ऐसा हालत इस एरिया में कब से? आयो 20 साल से मैं पैदा हुआ है हॉस्पिटल बाजू। अच्छा, कौन है? अब अच्छा काम करना साहब, क्या भी नहीं, पब्लिक बहुत अच्छा रहना। पैसे की तो छोड़ो, पैसे पहले हेल्थ का आया तो उसे हेल्प करना। कोई हिंदू मुसलमान रहते घूमते जाकर तबत पर भी तो जाओ जाओ, उसे भी नहीं बोलना क्या है, एक 50 की 100 500 देकर बेचना। रोड आते हो गड़े खुतरे, ये देखो तो वो चीज़ से हर चीज़ कैसे पब्लिक बेजार हो गए। तो अब आने वाले इलेक्शन में कौन सा ऐसा लीडर को आप ये क्या क्या सोच को डालते हैं आप? तो आने वाला काम करना, पब्लिक का काम करना है, इसे वोट डालती है आदमी। मेन प्रॉब्लम जो है, एक तो इधर ट्रैफिक का बहुत यह है, दूसरा के ड्रेनेज बराबर नहीं है इधर पे। जब बारिश ज़्यादा ओवरफ्लो होता है तो पूरा गटर जो है ओवरफ्लो हो जाता है। जो भी जीता है क्या वो क्या क्या काम अहम है करना जरूरी है? सबसे पहले अहम जरूरी ये है कि यहाँ की पाकी सफाई होना चाहिए। सबसे पहले सफाई का एक मुद्दा, सफाई का मुद्दा है। दूसरा जो है, जो भी खड़े उसमें कोई भी पार्टी हो, लेकिन सबको लेकर चलने वाली पार्टी हो, समझदार पार्टी हो, सेक्युलरिज्म पार्टी हो। हमारे लिए मेन सबसे पहली चीज़ एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन हर एक के लिए जरूरी, लेकिन हमारी कौम के लिए तो एजुकेशन तो कोई कुछ भी नहीं है। हमारी कौम में तो कोई एजुकेशन नहीं है। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है उसके ऊपर जो भी एमएलए आज के पहले रहे हैं उस पर तवज्जो लोगों ने डाला है, नहीं डाला है? नहीं, वो तवज्जो तो एजुकेशन के ऊपर कोई नहीं डाला है। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं जो भी जीते वो एजुकेशन पर भी तवज्जो? जी, एजुकेशन पर तवज्जो डाले और पाकी सफाई पर तवज्जो डाले और हमारे जो हालात जो चल रहे हैं उसके ऊपर भी तवज्जो डाले, उसमें जाकर कुछ हासिल हो सकता है। अब शिवाजी नगर का इंतखाब होने वाला है तो यहाँ के जो मेन मसाइल मसले हैं क्या हैं और वो जो भी जीत कर आएगा उन्हें क्या करना? यहाँ कचरा, यहाँ तो गलीज आ गई, यहाँ से यहाँ तक क्या भी नहीं है, नल डाल रहे हैं, बोल रहे नल नहीं डाल रही है, पूरा है, क्या भी नहीं होता, सब गलीज आ गई पूरा यहाँ से वहाँ तक। तो कैसा कैसा एमएलए होना आपको? अच्छा एमएलए, काम करने वाला होना। आज देखना इधर उधर क्या भी नहीं है ना, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लिए, इलेक्शन दिए होता उसके बाद फिर आते नहीं। बाजू अंकल बोले होंगे वो एक चीज़ का बहुत दिक्कत है, हम पैसे दे के क्लीन करवाते हैं और शाम तक वापस वो डाल के चले जाते बस वोट आते। अभी जो भी पार्टी से एमएलए आएगा आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? हमको साफ सफाई चाहिए और क्या, मेन सर साफ सफाई अच्छा होगा। आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? एमएलए काम करने वाला होना चाहिए और क्या। कोई भी जीते आप लोगों को क्या क्या करके देना चाहिए, आपका क्या मुद्दा है? ये सभी रोड है, रोड करके देना, चेंज किया है, वन मंथ हो गया, अभी तक ये सीमेंट सभी नहीं डाला है। तो ये जो गली है इसका कभी भी ठीक नहीं हुआ है, ये एक मुद्दा है। पाइप डाल के है जी, मगर अभी सीमेंटिंग नहीं हुआ, सीमेंटिंग नहीं हुआ। हाँ, समटाइम्स 2-3 डेज डंप होता है, कचरा का है, डंप होता है। तो एक कचरा का भी प्रॉब्लम है, कचरा के। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के लिए कैसा सुविधा है, उसका कुछ प्रॉब्लम है एजुकेशन का? एजुकेशन का क्या ये प्राइवेट सभी डोनेशन सभी लेता है। तो गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें कुछ फंक्शन नहीं है, कम है तो सारे लोग को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल सभी प्राइवेट स्कूल जाता है। यहाँ क्या मेन क्या प्रॉब्लम है और क्या मुद्दे हैं और क्या कौन भी जीत गए तो उन्हें क्या करना? अल्लाह के ऊपर छोड़ डालना, कौन सही चलाता उन्हें। नहीं, यहाँ क्या प्रॉब्लम क्या है शिवाजी नगर में? ऐसा था कि अभी प्रॉब्लम तो नहीं है, चल रही है गाड़ी धगल्ले को जा रही है। तो आप लोगों को गवर्नमेंट से कोई कुछ नहीं चाहिए? क्या है गवर्नमेंट क्या करना है वो गवर्नमेंट के ऊपर है, हमें क्या कर सकते? अगर नहीं करे तब भी कोई परेशानी नहीं, कर दे तो मेहरबानी। अल्लाह के ऊपर छोड़ना, सब हर चीज का है, क्या है उससे क्या भी कर नहीं सकते। तो दूसरा रास्ता नहीं तो मिलता कैसे? नहीं, कोशिश हमारी करना। अच्छा ये बताइए, आप लोग को इतना पता होता है कि अगर एक एमएलए जीतता है तो उसको वहाँ के नागरिक को क्या क्या करके देना चाहिए, ये आइडिया है आप लोगों को? नहीं, वैसा तो आइडिया क्या आइडिया नहीं है। मतलब कोई एमएलए जीतता है तो आपको ये नहीं मालूम है कि उसको क्या क्या करना है, ये आइडिया नहीं आप लोगों? नहीं, सही बात। तो मेन मुद्दा ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि एमएलए अगर जीतता है तो क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेटर जीतता है तो क्या करना चाहिए, इसलिए लोग बोल नहीं पाते हैं कि हमको क्या चाहिए, इस एरिया की क्या जरूरत है।
यहाँ मेन रोड बराबर से नहीं है, देखा डस्टा उधर गिरता चोरे का बस गिरता वो क्लीन करता नहीं क्या देने, जबकि बारिश आया तो पूरा कचरा एक दो दिन स्मेल इतना आता होगा चोरे का बाजू का लिफ्ट पूरा था बहुत स्मेल रहता वो मेन बाद में इलेक्ट्रिक का बड़ा प्रॉब्लम जो साफ सफाई का है। हाँ साफ सफाई का। और दूसरा कोई मुद्दा जो आपको याद आ रहा हो जो करना जरूरी है? करना जरूरी तो मेन वही है हमारा, मस्कीटो ज्यादा बाइट करता उसका वास्ते, दूसरा क्या भी नहीं। दूसरा ये जो साफ सफाई का ऐसा डंप करके पड़ा हुआ है ये कितने सालों से ऐसा चल रहा है? वो अभी हमें क्लियर वो कौन भी नहीं करा, हमें वो बिल्डिंग का हमें खुद ही लेको हमें फुल क्लीन करा, आप लोग खुद से पैसा दे क्लीन कराया वो? नहीं तो ये बाजू का आको प्रॉपर्टी दूसरा ट्रस्ट प्रॉपर्टी का उन्होंने ऐसा छोड़ा था, इधर टॉयलेट बाथ टॉयलेट सभी यांच कर को इधर मेडिकल शॉप कौन भी नहीं आया। ये बताइए कि यहाँ के जो कॉरपोरेटर लोग हैं वो लोग कभी आते हैं कि नहीं? आते हैं लेकिन काम नहीं होता। वो नहीं होता यहाँ पे, देखिए मेन तो ट्रैफिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। अगर आप रसल मार्केट एरिया में चले जाओ या शिवाजी नगर बस स्टैंड के पास जाओ, जो रोड की दुकान रोड पे इतना आगे है कि मैक्सिमम रोड पे आगे हैं, पब्लिक को चलने के लिए तकलीफ होती है, टू व्हीलर को चलने के लिए तकलीफ होती है, और किसी को थोड़ा भी लग गया तो लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, फसाद फालतू की फसाद पैदा हो जाती है, मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जनता में गुस्सा ज्यादा है। मनु भाई आप इतने साल से हैं, बचपन आप से यहाँ हैं, तो वो टाइम से अब टाइम तक क्या बदलाव आया है शिवाजी नगर में? शिवाजी नगर में देखो अभी तो टोटल मैक्सिमम ये कमर्शियल एरिया हो गया है शिवाजी नगर, और यहाँ पे जो है तीनों कम्युनिटी मिलजुल के रहती है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे कर्नाटका के लिए और शिवाजी नगर के लिए एग्जाम्पल के लिए और इंडिया के लिए भी। सर दिस नो वर्क फ्रॉम कॉर्पोरेशन साइड इज वेरी एक्टिव प्लेस, यू कैन जस्ट सी योरसेल्फ, that is the main thing. What do you want your MLA to do? To have some attention on this area. No one is taking any interest. I have not seen anyone till now. I'm living here from 70 years. Okay. But I have not met anybody here. No one is interested. आप इसी एरिया में रहते हैं? ये बताइए, तो अभी एक इलेक्शन होने वाला है फिर दिसंबर में, तो ये शिवाजी नगर MLA का, ये बताइए वो MLA से आपको कुछ बोलना है कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है वो आके सॉल्व करें? हम लोग क्या अभी नहीं कहिए, ऐसा छू हम लोग गरीबों का लोग को वैल्यू नहीं सपोर्ट कर। तो आप इतना साल से रहते हैं, आप बोले आप यहाँ बूढ़े हो गए, 25-8 साल मेरे को उम्र, मैं यहाँ पैदा होके यहाँ जीना करके यहाँ छूं। तो कभी भी आज तक अपने जिंदगी में कोई आपके एरिया में कोई MLA आया है क्या? MLA नहीं आता, कभी भी नहीं आया, चुपके। अच्छा ये बताइए कभी कोई कॉर्पोरेटर आया कुछ पूछा माँ कुछ प्रॉब्लम है ऐसा कभी हुआ है? कॉर्पोरेटर का तब एक टाइम मारा देख रहा, कारपेटर का बात करिए सब ऐसी हम लोग को मुश्किल है, हम लोग गरीब लोग। लेकिन आप लोग जब बोलते हैं तो उस पर कुछ काम होता है? काम लाइट ये वो रोड का करता साफ करता। तो आप कभी कॉर्पोरेटर को बोलते हैं तो काम होता है? हाँ कॉर्पोरेटर को बोले तो काम होता, मगर ये MLA ये लोग कभी आप लोगों को देखने नहीं आते? नहीं, वो 5 साल का एक टाइम मारा राउंडिंग मार रहा काली क्या मैं ऐसा तेरे को ऐसा कर रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ, एक बच्ची लोग को हेल्प नहीं, किसका भी हेल्प नहीं, हम लोग भी हेल्प नहीं, ऐसा वोट डालता ना वो टाइम से देखो वो इलेक्शन के टाइम में सिर्फ दिखाई देते हैं, सलाम बोलता होता अच्छी हमारा तो बादू सलाम करके बगा। ठीक है मैं आपको मालूम है कि शिवाजी नगर का बाईपोल इलेक्शन होने वाला है और शिवाजी नगर में बहुत से मुद्दे हैं, तीन अहम मुद्दे क्या हैं और क्या करना चाहिए चाहे कोई भी पार्टी हो? आजकल तो ये रोडे तो बहुत इतने गंदे हैं, रोड का मसला दूसरा है और दूसरा जो है ये ड्रेनेज का सिस्टम जो है ना वो भी इतना गलीज है, सिस्टम गिर रहे हैं पानी आ रहा है जा रहा है, हमारे खुद के घर के अंदर अपार्टमेंट में इतना पानी आ गया, 5 बार काउंसलर को फोन किए, एक ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का है और रोड का प्रॉब्लम है, और कोई एक मुद्दा? सफाई नहीं है, सफाई तो बहुत एक महीने से तो पूरा गंदा है, हर रोड को जाओ गंदगी है। अच्छा, और मच्छर है, अपनी घर का जो कचरा होता है आप कोई सिस्टम है कि कचरे वाला को देते हैं या कहीं भी लोग फेंक देते हैं? नहीं बहुत सारे लोग तो फेंक देते हैं, हम जो है कचरा अलग बैग में रख के सुबह में जो आती है
वो झाड़ने वाली, उसके पास हम दे देते हैं। मेरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बार बार कॉर्पोरेटर, एमएलए या कॉर्पोरेशन को इल्ज़ाम लगाने से पहले जो भी कचरा डालता है, चाहे वो उसके घर के सामने हो, दुकान सामने, उसको ये समझ होना चाहिए कि एक जगह है उसमें डालना है, ना कि रोड में। नहीं समझते ना लोग, नहीं समझते ना। हमारे ही मोहल्ले में हम कितना बोलते हैं भाई आप 10-10 रुपये एक एक दे दो घर से, वो टोटी आते हैं लेके चले जाते हैं, नहीं मन के डालते हैं, फिरका देते हैं, मन के वार के फिरका देते हैं। ये होटलें बहुत खुल गए हैं रात में चाय वगैरह के, वहाँ पे बंदोबस्त करना, लड़के लोग बैठते हैं, अफीम गांजा सिगरेटें पीते हैं, गंदे गंदे गालियाँ देते हैं, अच्छे रहते हैं देखने को अच्छे हैं, मगर ये ऐसे है। ये फिरजोटन एरिया में भी 2-3 होटल है, वहाँ पे भी आके लड़के लोग जम जाते हैं रातों में, इनको कुछ तहजीब ही नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। मगर हमारे जो काउंसलर एमएलएज हैं वो कुछ काम नहीं कर रहे। अभी हम याद करके आ रहे थे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, इतना गंदा पड़ा हुआ है, इतना गंदा पड़ा हुआ है, कोई देख रहा है नहीं। हम तो रोज़ जाते आते रहते हैं, वही बात करके हम आ रहे थे दोनों, एक का काउंसलर कुछ देखता नहीं क्या करते, गंदगी रोड पे जाने नहीं होता। बच्चों की एक स्कूल है इधर, वो स्कूल तो तकरीबन 3 साल से बंद है और इतनी गंदगी पड़ी हुई है, ना उसको खोल के इम्प्रूवमेंट करते हैं ना कुछ करते हैं, जाके बोलेंगे तो कोई उतना नहीं सुनता, करेंगे करेंगे यही इनका जवाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया।